प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 10। जब अकेले आदि मानव संसार के पिता की ही सृष्टि हुई थी, तो प्रज्ञा ने उसकी रक्षा की थी। उसके पतन के बाद उसका उद्धार किया था। और उसे समस्त सृष्टि पर शासन करने की शक्ति प्रदान की थी। जब एक अधर्मी मनुष्य अपने क्रोधावेश में उससे विमुख हो गया था, तो उसका विनाश हुआ क्योंकि उसने क्रुद्ध होकर अपने भाई की हत्या की थी। जब उसके कारण पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था, तो प्रज्ञा ने फिर उसकी रक्षा की थी और एक भंगुर लकड़ी पर धर्मी को बिठाकर पार कराया था। जब सर्वत्र फैली हुई दुष्टता के कारण राष्ट्रों में उलझन पैदा हुई थी, तो प्रज्ञा ने धर्मी को पहचान कर उसे ईश्वर की दृष्टि में अनिंद्य बनाए रखा और उसे वात्सल्य पर विजय का सामर्थ्य प्रदान किया था। जब अधर्मी नष्ट हो रहे थे, पांच नगरों पर आग बरस रही थी, तो प्रज्ञा ने भागने वाले धर्मी को बचाया था। उन लोगों की दुष्टता के साक्ष्य के रूप में अब तक वहां एक उजाड़ भूमि विद्यमान है, जिसमें से धुआं उड़ता है, जहां वृक्ष अनिश्चित समय तक फल देते हैं और एक अविश्वासी आत्मा की स्मृति में नमक का खंबा खड़ा है। जिन लोगों ने प्रज्ञा की उपेक्षा की थी, वे न केवल भलाई पहचानने में असमर्थ हो गए, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना मूर्खता का
स्मारक छोड़ दिया था, जिससे उनका पाप गुप्त ना रहे। किंतु जो प्रज्ञा के अनुयायी बने, उसने उन्हें उनके कष्टों से मुक्त किया था। धर्मी को सीधे मार्गों पर ले चली, जब वह अपने भाई के क्रोध से भाग रहा था, उसने ईश्वर को राज के दर्शन कराए। और पवित्रता का ज्ञान प्रदान किया। उसने उसे उसके कार्यों द्वारा संपन्न बनाया। उसके परिश्रम का प्रचुर पुरस्कार दिया। उसने लोभी शोषकों के विरुद्ध उसकी सहायता की। और उसे धनी बनाया। उसने उसके शत्रुओं से उसकी रक्षा की। और उसे फंदा बिछाने वालों से बचा लिया। उसने उसे घोर संघर्ष में विजय दिलाई, जिससे वह समझ सके कि भक्ति सबसे शक्तिशाली है। उसने बेचे हुए धर्मी का परित्याग नहीं किया, बल्कि उसे पाप से बचाया। वह उसके साथ कुएं में उतरी और उसने बंदी गृह में उसे अकेला नहीं छोड़ा। बल्कि उसे देश का राजदंड दिलाया। उसने उसको अत्याचारियों पर अधिकार दिया। उसने उसके निंदकों को झूठा सिद्ध किया। और उसे अमर यश प्रदान किया।
उसने एक पवित्र पूजा और निर्दोष प्रजाति को उस पर अत्याचार करने वाले राष्ट्र से मुक्त किया। उसने प्रभु के सेवक की आत्मा में प्रवेश किया और चमत्कारों और चिन्हों द्वारा विकट राजाओं का सामना किया। उसने संतों को उनके परिश्रम का पुरस्कार दिलाया। वह उन्हें एक आश्चर्यजनक मार्ग से ले चली। वह दिन में उनके लिए आच्छादन और में तारों की ज्योति बनी। उसने उन्हें लाल सागर के पार उतारा। वह उन्हें विशाल जलाशय के उस पार ले गए। उसने उनके शत्रुओं को जल में बहा दिया और उन्हें गर्त की गहराई से निकाल कर ऊपर फेंक दिया। इसलिए धर्मियों ने दुष्टों को लूटा। प्रभु उन्होंने तेरे पवित्र नाम की स्तुति की। और एक स्वर से तेरी विजय भुजा का गुणगान किया। क्योंकि प्रज्ञा ने गूंगों का मुख खोला और शिशुओं की जिह्वा को वाणी दी। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11। उसने एक पवित्र नबी के हाथ से उनकी योजना को सफल बनाया। उन्होंने निर्जन उजाड़ खंड पार किया और दुर्गम स्थानों पर अपने तंबू खड़े किए।
उन्होंने अपने शत्रुओं का डटकर सामना किया और विरोधियों को मार भगाया। जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने तेरी दुहाई दी, और उन्हें एक ऊंची चट्टान से पानी मिला। एक कठोर पत्थर ने उनकी प्यास बुझाई। क्योंकि जिसके द्वारा उनके शत्रुओं को दंड दिया गया उसी के द्वारा अभाव में उनका उपकार किया गया। शिशुओं के वध की राजाज्ञा के दंड स्वरूप नील की सदा प्रवाहित धारा रक्त और कीच से दूषित हो गई। उसके बदले तूने अपनी प्रजा को अप्रत्याशित रूप में भरपूर जल दिया। तूने उस समय की प्यास द्वारा अपनी प्रजा को यह दिखाया कि उनके विरोधियों को किस प्रकार का दंड दिया गया था। शिशुओं के वध की राजाज्ञा के दंड स्वरूप नील की सदा प्रवाहित धारा रक्त और कीच से दूषित हो गई। उसके बदले तूने अपनी प्रजा को अप्रत्याशित रूप में भरपूर जल दिया। तूने उस समय की प्यास द्वारा अपने प्रजा को यह दिखाया कि उनके विरोधियों को किस प्रकार का दंड दिया गया था। यद्यपि वे नरमी से सुधारे गए फिर भी वे इस परीक्षा द्वारा अधर्मियों की घोर यंत्रणा समझ गए।
जब उनको क्रोध में दंड दिया गया था। तूने अपने प्रजा के साथ पिता सा व्यवहार किया, जो उसकी परीक्षा लेता और चेतावनी देता है, किंतु दूसरों के साथ तूने कठोर राजा की तरह जांच करने के बाद उन्हें दंड दिया। वे तेरी प्रजा से दूर या निकट रहते, समान रूप से उत्पीड़ित किए जाते थे। वे बीती घटनाओं की याद करते हुए विलाप करते थे, उन्हें दोहरा दुख भोगना पड़ा। क्योंकि जब उन्होंने सुना कि जिसके द्वारा उन्हें दंड दिया गया, वही इस्राएलियों के लिए कल्याण का कारण बना, तो वे समझ गए कि उसमें प्रभु का हाथ है। उन्होंने जिस व्यक्ति को पहले फिकवाया और उपहास करते हुए अस्वीकार किया था, उसने ही बाद में उन्हें आश्चर्यचकित किया। क्योंकि उनकी प्यास धर्मियों की प्यास जैसी नहीं थी, उनके अधर्म के मूर्ख विचारों के दंड स्वरूप, जिनसे प्रेरित होकर वे भटक कर गूंगे सांपों और तुच्छ पशुओं की पूजा करते थे, तूने उनके यहाँ गूंगे पशुओं को भारी संख्या में भेज दिया। जिससे वे समझे कि कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंत्रणा दी जाती है। तेरी सर्वशक्तिमान भुजा जिसने निराकार पदार्थ से संसार की सृष्टि की थी, उन पर भालुओं या हिंसक सिंहों के झुंड या नए सृष्टि किए हुए
और क्रोध से भरे ऐसे अपूर्व पशु छोड़ने में असमर्थ नहीं थी। जो या तो आग उगलते या गरजता हुआ धुआं फैलाते या अपने आंखों से भयंकर चिंगारियां निकालते थे। ऐसे पशु जिनके प्रहार से उनका विनाश हो जाता, बल्कि जिन्हें देखने मात्र से आतंक के मारे उनकी मृत्यु हो जाती। यद्यपि इन सबके अभाव में वे तेरे दंड के शिकार बनकर या तेरी शक्तिशाली आत्मा द्वारा छिन्न भिन्न होकर तेरे श्वास मात्र द्वारा मारे जा सकते थे। तेरी सर्वशक्तिमता सदा तेरे पास रहती है, कौन तेरे भुजबल के सामने टिक सकता है। प्रभु तेरी दृष्टि में समस्त संसार तराजू के पासंग के बराबर है। अथवा प्रातःकाल भूमि पर गिरने वाली ओस की बूंद की तरह तू सब पर दया करता है। क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। तू सब प्राणियों को प्यार करता है और अपनी बनाई हुई किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। यदि तुझे किसी वस्तु से घृणा हुई होती तो तूने उसे नहीं बनाया होता। यदि तू उसे नहीं चाहता तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं बना रहता। यदि तूने उसे नहीं बुलाया होता तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता। प्रभु तू सारी सृष्टि की
रक्षा करता है। क्योंकि वह मेरी है, तू सब प्राणियों को प्यार करता है।